हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल डेजर्ट रेसिपी जो है कस्टर्ड हलवा। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी रेसिपी शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या लिए हैं। कस्टर्ड हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर, कुछ आलमंड्स, घी, काजू बारीक कटे हुए, केसर, चीनी और पानी। पहले हम एक बाउल में चीनी डालेंगे, ये अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। अब ये केसर और ये पानी डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे। अब पैन में घी डालेंगे और इसे हम गर्म होने देंगे। घी गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे ये कटे हुए काजू, इसे हल्का फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। काजू फ्राई होने के बाद ये जो मिक्स करके हमने कस्टर्ड पाउडर रखा था इसे हम डालेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। अब हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। कुछ टाइम के बाद ये देखिए ये कैसे थिक हो गया है और ये पैन से भी छूट रहा है, तो मतलब ये बन चुका है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए इसे इस तरह से बेकिंग ट्रे में सेट कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर लेंगे। फिर इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट होने देंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। लगभग 2 घंटे के बाद ये हम लोग का सेट हो चुका है। अब हम इस तरह से एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। ये देखिए ये हलवा हम लोग का कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे हम कट करेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कपिल्स रसोई को सब्सक्राइब कीजिए।